हमारे बच्चे की लाश पे रोटियां ना सेंको, राजनीति मत करो ऐसी। और जो बैठ रहा है न्याय को, तो न्याय बच्चे को मांगो, अपनी खुद की लड़ाई हमारे बच्चे से नहीं लड़वाओ। हाँ, हमारा बेटा कहता था अपनी मम्मी से कि अगर 10 साल भी नहीं मिले हम तुम्हें, तो कभी हम सुसाइड नहीं करेंगे, कभी हम मरेंगे नहीं। मध्य प्रदेश के सागर के जयसी नगर थाने के अंदर करतेज पटेल की मौत के मामले में चारों तरफ हंगामा है। पटेल समाज न्याय के लिए जगह जगह ज्ञापन दे रहा है। ऐसे में मृतक करतेज पटेल के पिता राजू पटेल का रो रो कर बुरा हाल है और वो इस बात से आहत हैं कि उनके बेटे की मौत पर कुछ लोग अपनी राजनीति दुश्मनी के चलते गंदी राजनीति कर रहे हैं। करतेज पटेल के पिता ने साफ साफ कहा है कि भाई कोई भी हो, आप मेरे बेटे की मौत का तमाशा न बनाए। उन लोगों से मृतक के पिता हाथ जोड़कर निवेदन और अपील कर रहे हैं कि मेरे बेटे की मौत पर गंदी राजनीति न करें। मृतक के पिता मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से मिले थे। उन्हें मंत्री ने आश्वासन दिया है कि आपकी संतुष्टि जिस जांच में होगी हम आपके साथ खड़े हैं। बहरहाल जाति के नाम पर या सियासी लोग इस मृतक की मौत का तमाशा बना रहे हैं वो गलत है। उनके पिता की अपील के बाद वो लोग शायद अब इस मामले में गंदी राजनीति नहीं करेंगे। क्या कहा है मृतक के पिता ने, जरा आप सुन लो। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ हैं। आज हम फिर सेमरा गोपालमन पहुंचे हैं और जयसी नगर थाने में करतेज पटेल की जो मौत हुई थी, मौत का मामला अभी सुलझा नहीं है। हमारे साथ करतेज पटेल के पिता हैं राजू पटेल साहब, उनसे हम बात करेंगे। भाई साहब, सागर एक्सप्रेस न्यूज़ को बताएँ जी, क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जो राजनीति हो रही है हमारे बेटा की लाश पे, वो राजनीति ना करें, निष्पक्षता से बैठें। और हम कोई राजनीति वालों के संगे नहीं हैं। जो हमारा दल है कुशवाहा समाज है, फुल समाज हमारा सपोर्ट में है और बैठें धरने पे, इसका भी हम विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि हम हमारे संगे हैं जो आदमी, अपन न्याय चाह रहे हैं, अपन को न्याय मिलना चाहिए। और CBI मांग की अपन जाँच कर रहे हैं, हम इस संतुष्ट नहीं होंगे। आई मजिस्ट्रेट जांच हो गई, अगर इसमें हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी तो हम CBI जांच चाहते हैं। मंत्री जी से मिले थे आप? हाँ, मंत्री जी ने आश्वासन दिया है हमें कि हम CBI जांच करवाएंगे अगर तुम ये चीज़ से संतुष्ट नहीं हो तो। क्या आपको डाउट लग रहा है कहाँ, मैंने हत्या कैसे लग रही थी, ये हत्या है? ये हत्या ऐसी लग रही है कि हमारा बेटा जब लॉकअप में था तो लॉकअप में हमारी पत्नी छोड़ के आई और उससे बात करके आई कि हम घर जाएं, तो वो कह लो मम्मी क्या होगा, तो जो उसको संतुष्ट करके आई कि बेटा कछु नहीं होगा, 10-15 दिन की अगर जेल भी होगी तो पापा 10-15 दिन में निकलवा लेंगे, वकील से बात हो गई है, अच्छी हंसी खुशी से छोड़ के आई और बोल के आई कि तुम चिंता नहीं करना। आपका बेटा भी कहता था कि हम मिले नहीं तो 10 साल। हाँ, हमारा बेटा कहता था अपनी मम्मी से कि अगर 10 साल भी नहीं मिले हम तुम्हें, तो कभी हम सुसाइड नहीं करेंगे, कभी हम मरेंगे नहीं, हमें ढूंढना नहीं, हम ये तुम्हें विश्वास दिला रहे कभी हम सुसाइड नहीं करेंगे, कबू नहीं कर सकत, मर नहीं सकत हम। इकलौता बेटा था आपका? एक लौटा बेटा हमारे, 3 बच्ची हमारा, 1 मोड़ा था हमारा। आपको लगता है कि कहाँ चूक हुई है, कहाँ गलती हुई है पुलिस की या पुलिस की कोई साजिश है, कहाँ लग रहा है आपको? हमें यही लग रहा है जब धागा काट देते हैं लॉकअप में, तो वहाँ गमछा कैसे पहुँचा, तौलिया कैसे पहुँची, और कैसे हमारा बेटे को कौन ने गमछा दिया है, तो हमें इसमें साजिश लग ही रही है, बतो दिखा रही कि साजिश है, पुलिस की पूरी पूरी मिली भगत है जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश के मुखिया से हम ये कहना चाहते हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि हमें न्याय दिलाओ और CBI जांच करवाओ आप, और सरकार पे हमें भरोसा है, हमारे बेटे के साथ न्याय होना चाहिए। बेटे के साथ आपको लगता है कि CBI जांच से न्याय हो जाएगा? CBI जांच से न्याय हो जाएगा और CBI जांच बहुत अच्छे से जाँच पड़ताल करती है, ये हमें विश्वास है, क्योंकि जब जब जोन जोन की CBI जांच भई है तो वो सब निकल के आता है सामने।
इसलिए हम सीबीआई की सरकार से, सब राजनेता पदाधिकारियों से ब्रह्म निवेदन करते हैं कि हमारी मदद करें और सीबीआई जांच करवाएं। और कुछ कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे कि हमारे बच्चे की लाश पे रोटियां ना सेंको, राजनीति मत करो ऐसी, और जो बैठ रहे हो न्याय को तो न्याय बच्चे को मांगो, अपनी खुद की लड़ाई हमारे बच्चे से नहीं लड़वाओ, हमारे बच्चे की लाश पे नहीं लड़ो, निष्पक्ष बैठो, बच्चे को की न्याय मांगो। यही हम सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करके बोल रहे हैं, भैया हमारे बच्चे को न्याय दिलवाओ और बैठो, जितने भी दल हैं सो बैठो, कोई बात नहीं है, ऐसी समाज है, कुशवाहा समाज है, न्याय के लिए बैठी, सब हमारे साथी हैं। सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि राजनीति भर नहीं करना भाइयों, सबसे हाथ जोड़ने की निवेदन है। सियासत और राजनीति के खेल में कभी भी मौत का तमाशा नहीं बनना चाहिए, यही सच्चाई है। हम राजू पटेल, जिनकी आंखों में आंसू हैं, वो कहते हैं कि मेरी बेटे की मौत का तमाशा नहीं बनना चाहिए। असलियत में हम आपको बता दें कि कृतेश पटेल जब गार्ड रूम में था, उस गार्ड रूम में वो चड्डी बनियान में गया, और चड्डी बनियान में वहाँ कैसे उसको गमछा मिला, कैसे उसने सुसाइड किए, तमाम सवाल अभी भी बरकरार हैं। इकलौता बेटा था, तीन बेटियाँ जवान हैं, इकलौता बेटा उनके घर का सहारा था। अगर किसी का इकलौता बेटा की जिंदगी छिन जाए तो जाहिर है उसके दिल पर क्या बीतती है। फिलहाल हम राजू पटेल से मुखातिब हुए हैं, जो मंत्री से मुलाकात की है उनने, और उनने मंत्री ने भी इनको आश्वस्त किया है कि इस जांच की रिपोर्ट आ जाने दो, उसके बाद सीबीआई जांच के लिए भी वो आवाज़ बुलंद करेंगे। लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि कहीं ना कहीं पुलिस की बहुत बड़ी गलती है, जिससे एक पूरा का पूरा परिवार तबाह हो गया। शंकर विश्वकर्मा के साथ ब्रह्मरत्न दुबे, सागर एक्सप्रेस। बहरहाल हम आपको बता दें कि कृतेश पटेल की थाने के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, उसी से यह परिवार टूटकर बिखर गया है। मंत्री के आदेश पर इस मामले में जुडिशियल जांच हो रही है, जांच में क्या निकलता है यह तो वक्त रहते पता चलेगा। लेकिन इतनी बात जरूर है कि इस मामले में पुलिस की गलती और लापरवाही साफ नजर आ रही है। कुलदीप चौरसिया, सागर एक्सप्रेस न्यूज, जयसिंहनगर। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स 63 सालों से आपकी सेवा में समर्पित। हमारे यहाँ आपको मिलेगी हीरे सोने चांदी के आभूषणों की आकर्षक श्रृंखला। तो पता याद रखें, न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।